Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Today we are going to discuss methods of preparation of halogens from diazonium salts. Diazonium salts से हम methods of preparation of halogens prepare करेंगे इस method से. तो इस method में क्या होगा? कैसे हम prepare कर सकते हैं? हेलोरिंग्स को फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट्स तो बाय यूजिंग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. मैं जो सॉल्ट ले रहा हूँ यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लेता हूँ बेटा. इस सॉल्ट का यूज करके हम हेलोरिंग्स प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा बाय दिस मेथड. देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायजोनियम सॉल्ट डाई एजो ग्रुप एन ट्रिपल बॉन्ड एन दिस इज डाई एजो ग्रुप होगा बेटा. ओके देखिए बेटा दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायजोनियम सॉल्ट बनाया जाता है डायजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन. ये भी बता देता हूँ मैं साथ के साथ आप लोगों को कि जो डायजोनियम सॉल्ट है डायजोनियम सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन. इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में एनिलीन इज ट्रीटेड विद किसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे एनिलीन के बेटा NaNO2 and HCl. HCl यहां टू टेकन इन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम इसकी. ओके रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अबाउट 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर और वी कैन राइट बेटा 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस. इस इन कंडीशंस के अंदर रिएक्शन होगी 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाना चाहिए टेम्परेचर अदरवाइज जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट इट विल डिकम्पोज हो जाएगा बेटा. मेन कंडीशंस आर नेसेसरी एंड सफिशियंट. होता क्या एक्चुअल प्रैक्टिस में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो NaNO2 है NaNO2 के जब के अंदर हम जब HCl को ऐड करेंगे इन स्मॉल लॉट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ये भी एंड व्हाट हैपन दे कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म क्या बनाएगा बेटा देखो दिस इज एनी कंपाउंड एनए पॉजिटिव एंड एनओ टू नेगेटिव. एचसीएल डिसोसिएट हो जाएगा दिस एच पॉजिटिव देगा और सीएल नेगेटिव प्रोड्यूस होगा यहाँ पर. ओके तो एच एनओ टू नाइट्रस एसिड बन जाएगा प्लस एनएससीएल दिस नाइट्रस एसिड दिस इज नाइट्रस एसिड बेटा formed in situ always formed in situ mean solution के अंदर बनता है mean solution के अंदर ही prepare होता है बेटा. nitrous acid को हम store करके नहीं रख सकते. store करके क्यों नहीं रख सकते इसको easily हम store इसका storage possible नहीं है इसको store करके नहीं रखा जा सकता क्यों बेटा because this is not stable under normal conditions. ओके अगर स्टेबल नहीं होगा डिकम्पोज हो जाएगा तो इसका स्टोर नहीं रखा जा सकता बट यूज करना तो इसलिए रिएक्शन मिक्सर में ही प्रिपेयर किया जाएगा एट द टाइम ऑफ यूज फॉर्म्ड इन सीटू. इसका मतलब ये इसका मीनिंग ये. ओके बेटा तो जो नाइट्रस एसिड बनता है यहाँ पर इन दोनों की रिएक्शन से जो नाइट्रस एसिड अल्टीमेटली फिर रिएक्शन किसके साथ होती है यहाँ पर तो HNO2 प्लस HCl. अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे क्योंकि एक्सेस में लिया HCl बोथ ऑफ दिस रिएक्ट विद एनिलीन and what happens beta we get this benzene diazonium chloride ये Cl negative इसके साथ ionic bond है यहाँ पर nitrogen के साथ diazo ये हो गया diazo diazonium इस अगर एक nitrogen ने four bond बनाया बेटा तो positive charge आ गया इस पर diazonium बन गया ये diazonium और बेंजीन लगा रखा है तो बेंजीन डायजोनियम और इसके साथ क्लोराइड है तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. ठीक है तो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर दिस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट इज वाटर हेयर वाटर कम्स आउट दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फ्रॉम एनिलीन by treatment with sodium nitrite and HCl
एट अबाउट 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा हम, दिस रिएक्शन इज डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस हेलोरिन्स फ्रॉम दिस डायजोनियम सॉल्ट। तो डायजोनियम सॉल्ट से हम हेलोरिन्स बना सकते हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर नेम ऑफ साइंटिस्ट बेटा। तो सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू वी कैन प्रिपेयर हेलोरिन्स। हेलोरिन्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा, देखिए कैसे, बाय सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा भाई, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है जो दिस एंड ट्रिपल बॉन्ड एन, एन पर पॉजिटिव एंड सीएल पर नेगेटिव, दिस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बेटा दिस इज ट्रीटेड विद क्यू प्लस हाइड्रोजन हैलाइड, ट्रीटेड विद हाइड्रोजन हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। जो X है यहाँ पर, X में भी Cl और Br, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, नॉट आयोडीन, ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, बेटा क्यूप्रस क्लोराइड जो क्यूप्रस हैलाइड इस X एज कैटलिस्ट है, और HCl है जो यहाँ पर दिस एक्स एज रिएजेंट, मीन HX रिएजेंट है यहाँ पर। ओके, व्हाट हैपेंस बेटा, मीन टेम्परेचर में थोड़ा सा, मीन 278 से ज्यादा जाएगा टेम्परेचर, उसी टाइम ये हाईली रिएक्टिव होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगी। एंड व्हाट हैपेंस बेटा, क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, एक्चुअल प्रैक्टिस में दिस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यू नो वेरी वेल। ओके, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रो देन कार्बन, तो बट नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज भी है बेटा, ड्यू टू दिस इट बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी तो इंक्रीज हो गई इसके ऊपर, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, कार्बन पर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेगा नाइट्रोजन, ट्राई टू रिमूव इट्स पॉजिटिव चार्ज बाय अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा ये, देन व्हाट हैपेंस बेटा, क्या होगा यहाँ पर, अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी एंड दिस न्यूक्लियोफाइल, अब ये बॉन्ड डिसोसिएट तो हो ही रहा है, अट्रैक्ट तो कर ही रहा है नाइट्रोजन, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने में कौन हेल्प करेगा, दिस सीएल नेगेटिव, दिस बॉन्ड विल डिसोसिएट बेटा, डेल्टा पॉजिटिव दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस क्लोराइड एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इसका एंड देन दिस बॉन्ड विल डिसोसिएट। ओके, N2 comes out, N2 by product निकल गया बेटा यहाँ से, N2 is the by product, ये निकल गया यहाँ से N2 by product, okay? Now, अब क्या हो गया बेटा, देखिए यहाँ पर Cl ने attack किया है तो chlorobenzene, ये बन गया बेटा आपका chlorobenzene, this major product बन गया बेटा chlorobenzene, this one, this is the major product, चाहो तो आप N2 को वहाँ भी लिख सकते हो, ऐसी कोई problem वाली बात नहीं है, chlorobenzene plus N2. याद है बेटा, दिस क्लोरोबेंजीन इज द मेजर प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट निकल सकते हैं यहाँ पर बेटा, लाइक यहाँ से सीएल नेगेटिव निकलेगा एंड एच पॉजिटिव सीएल नेगेटिव, ये भी बाय प्रोडक्ट्स रहेंगे यहाँ पर, ये डिफरेंट आइसोटोपिक मेथड, आइसोटोपिक ये डिफरेंट आइसोटॉप्स रहेंगे, कभी सोचो कि यहाँ भी एच सी एल प्रोडक्ट्स में भी एच सी एल, क्या कैसे हो गया बेटा, आइसोटोपिक मेथड से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और कैसे पता चला कि विच सी एल नेगेटिव अटैक हेयर एट दिस, अगेन बाई आइसोटोपिक मैथड, किस मैथड के थ्रू बेटा, बाई आइसोटोपिक मैथड, आइसोटोपिक मैथड में डिफरेंट आइसोटॉप्स लिए साइंटिस्ट ने। ओके, और सपोज वन इज क्लोरिन के टू आइसोटॉप्स होते हैं बेटा, यू नो वेरी वेल, क्लोरिन 35 क्लोरिन 37 बेटा, वन इज क्लोरिन 35 लिया, अनदर इज क्लोरिन 37 हमने यहाँ पर ले लिया, या फिर से एक्सचेंज करके देखा, बार बार जब एक्सचेंज करने के बाद एक बार ये 35 लिया, एक बार ये 37 लिया, हर बार क्या मिला साइंटिस्ट को, कि जो HCl के अंदर हमने आइसोटोप लिया क्लोरीन का, वही इस बेंजीन के ऊपर मिल रहा है इन द हैलोरिन्स, दिस मींस दिस Cl नेगेटिव अटैक हेयर एट दिस पोजिशन एज ए न्यूक्लियोफाइल, नॉट दिस वन, ये बाय प्रोडक्ट्स में जा रहा है, तो इस टाइप से पता चलता है यहाँ पर
कि दिस सीएल विल अटैक हियर. ओके, क्लोरोबेंज इज द मेजर प्रोडक्ट बेटा. सिमिलरली इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस विद एचबीआर इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ब्रोमाइड होगा. दिस व्हाट हैपेंस बेटा, दिस टाइम अगेन बीआर नेगेटिव का अटैक होगा. फिर दिस वन बीआर नेगेटिव विल अटैक हियर बेटा. डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव ले ले हम. दिस विल अटैक बीआर नेगेटिव का अटैक होगा एट दिस पोजिशन. ओके, अगेन एन टू कम्स आउट और क्या बन जाएगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन. दिस टाइम अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको अंडरस्टैंड करने में इसमें, क्योंकि डिफरेंट हैलाइड हो गए दोनों को दोनों, ठीक है ना, कि कौन सा गया है, इसने अटैक किया है. अल्टीमेटली ब्रोमोबेंजीन बन गया बेटा प्लस एन टू इज द बाई प्रोडक्ट. एन टू कम्स आउट अगेन एच पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव भी निकल सकते हैं, इंटरेस्टेड स्मॉल अमाउंट में निकलेंगे. ओके, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में निकलते हैं, इसलिए उनको लिखने की जरूरत भी नहीं है, नो नीड्स. तो ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन, तो इन दिस वे बाय दिस सेंडमी रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर बेटा हेलोरिन्स. ओके, नाउ वन मोर पॉइंट आई टेल यू बेटा, अगर हमने यहाँ पर हेलोबेंजीन बनाए हैं, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, अगर हम बेटा आयोडोबेंजीन बनाना चाहें, फॉर आयोडोबेंजीन नो नीड टू यूज दिस सेंडमी रिएक्शन फॉर आयोडोबेंजीन. आयोडोबेंजीन के लिए क्या होगा बेटा, आयोडोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड इफ दिस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड ट्रीटेड विद एक्वस केआई. एक्वस केआई के साथ ट्रीटमेंट करवा देंगे बेटा. दिस इज आयनिक कंपाउंड, डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस. What happens? जरा थोड़ा सा वार्म करना है इस सोल्यूशन को, हीट भी नहीं करना, स्लाइटली वार्म करना है हमें इस सोल्यूशन को. And then what happens बेटा, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है आउट ऑफ ऑल दीज हैलाइड्स. आयोडाइड इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, वैसे भी आयनिक कंपाउंड है पोटेशियम आयोडाइड, डिसोसिएट कंप्लीटली इन द एक्वस मीडियम. एंड दिस विल अटैक हियर, अटैक करेगा, दिस बॉन्ड विल डिसोसिएट. आयोडोबेंजीन प्लस एन टू दिस. This is not the example of Sandmi reaction. ये Sandmi reaction reaction का example नहीं, ध्यान रखना. Iodobenzene plus क्या बन गया बेटा, N2 by product है plus K positive and Cl negative, KCl is the by product. Okay, so in this way we can prepare iodobenzene also, but by some different reaction, not by this Sandmi reaction. No need to use these cuprous halides. क्यों, cheap reaction हो जाएगी, cuprous halides are costly compounds. Okay beta, so easily we can prepare this. Now second is beta Gaterman reaction. Second, we can prepare hydrogen halides by Gaterman reaction. Beta Gaterman reaction is nothing but modification of, this is modification of Sandmi reaction. Iski beta, this is modification of Sandmi reaction. Sandmi reaction का ही modification आई है. This is nothing but modification of Sandmi reaction बेटा, Gaterman reaction. इसमें क्या होगा बेटा? Simple cuprous halide है, this cuprous halide is replaced by copper powder. बस छोटा सा change किया है. This is modification of Sandmeyer reaction बेटा. इसमें है क्या, cuprous halide है जो, this is replaced by copper powder. बस Gaterman ने एक छोटा सा चेंज किया कि cuprous halide को copper powder से replace कर दिया. this is copper powder, एक copper powder होगा बेटा, this is copper powder, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज, कोई चेंज नहीं, वही प्रोडक्ट्स वही रिएक्टेंट्स, ठीक है. ब्रोमोबेंजीन दिस, वही प्रोडक्ट्स वही रिएक्टेंट, सब कुछ इज एज इट इज है, सेम है, सेम वे ऑफ रिएक्शन होगा, वहीं से अटैक होगा हैलाइड्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैलाइड से, ये जो हैलोजन है एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा एंड देन रिएक्शन टेक्स प्लेस. सेम मेथड बिल्कुल, ठीक है ना, सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे, सेम रिएक्टेंट्स थे, बट सिर्फ कंडीशन चेंज हुई है, क्यूप्रस हैलाइड इज रिप्लेस्ड बाय कॉपर पाउडर, इतना ही चेंज है. सो
गैटरमैन रिएक्शन बन गई, दिस इज गैटरमैन रिएक्शन। नाउ तो इस रिएक्शन से हमने क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन मतलब बना दिया है, प्रिपेयर कर दिया है। ओके नाउ व्हाट हैपेंस बेटा, व्हाट हाउ वी कैन प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन। आयरोबेंजीन हम बना चुके, क्लोरोबेंजीन हम बना चुके, ब्रोमोबेंजीन हम बना चुके, व्हाट अबाउट आयरो क्या नाम, व्हाट अबाउट दिस फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाए, हाउ वी कैन प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन बेटा, फॉर फ्लोरोबेंजीन। बेटा फ्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बाल्ज-साइमन रिएक्शन, किसके लिए बेटा, स्पेशली यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन बेटा, बाल्ज-साइमन रिएक्शन बेटा, दिस रिएक्शन इज स्पेशली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है बाल्ज-साइमन रिएक्शन को बेटा। इस रिएक्शन में क्या करेंगे, जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है बेटा, दिस इज ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड, HBF4 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे इसके, HBF4 ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड, व्हाट वी गेट बेटा, HCl यहां से बाहर निकल जाएगा इसका, दिस एच पॉजिटिव फ्लोरो टेट्रा फ्लोरोबोरेट, दिस न्यूक्लियोफाइल है यहां पर, मीन यहां पर दिस Cl नेगेटिव इज रिप्लेस्ड बाय टेट्रा फ्लोरोबोरेट, HCl कम्स आउट एंड ये बन गया बेटा नेगेटिवली चार्ज आयन, रिप्लेस हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, BF4 लग गया इसके साथ, BF4 नेगेटिव दिस वन, ओके इट बिकम्स बेंजीन डायजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट, क्या बन गया बेटा ये, दिस कंपाउंड बिकम्स बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, दिस कंपाउंड इज फॉर्म, ये इंटरमीडिएट बनता है, ये जो इंटरमीडिएट है इसको फर्दर हीट करेंगे बेटा हम, हीट दिस, अगर इसको थोड़ा हीट करते हैं फर्दर देन व्हाट हैपेंस बेटा, हीट करते हैं दिस कंपाउंड विल डिकम्पोज, डिसोसिएट होगा, N2 कम्स आउट, यहां से टेट्राफ्लोरोबोरेट है जो, ये एनायन है जो, ये फ्लोराइड डोनेटिंग एजेंट है, फ्लोराइड यहां से अटैक करेगा इसके ऊपर, BF3 निकल जाएगा इसमें, तो फ्लोरीन अटैच हो जाएगा इससे, फ्लोरोबेंजीन बन गया, प्लस BF3 प्लस N2, दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन इज फॉर्म, दिस इज बाल्ज-साइमन रिएक्शन, ये बाल्ज-साइमन रिएक्शन बेटा। तो इन दिस वी कैन प्रिपेयर हेलोरीन्स फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट्स।